अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पैशन बाय रेहान गौरी। जी व्यूअर्स, तो आप माउंटेन पे मेरे बैक साइड पर देख रहे हैं नया नाज़माबाद। तो आज हम आपको नया नाज़माबाद दिखाएंगे। जो लोग इसके रास्ते से वाकिफ़ नहीं, उनको भी मैं यहाँ ये गाइड करना चाहूँगा कि जब आप सकी हसन राउंड अपर पर पहुँचते हैं तो आपको लेफ़्ट टर्न लेना है। इस रोड पर थोड़ा ही आगे चलने के बाद आप पहुँच जाएंगे एक नए तामीर शुदा फ्लाईओवर पर, और यही नया नाज़माबाद फ्लाईओवर है जो आपको स्ट्रेट लेकर जाएगा नया नाज़माबाद की गेट तक। शाहराए नूरजहां या अंडा मोड़ जाने वाले ट्रैफिक को फ्लाईओवर के नीचे से जाना होगा। इस फ्लाईओवर से बेसिकली नया नाज़माबाद और मंगोपी जाने वालों को काफ़ी आसानी हो गई है। ये फ्लाईओवर प्रॉपर लाइन मार्किंग्स के साथ बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है, और हम उम्मीद करेंगे कि कराची के तमाम रोड्स को इसी तरह खूबसूरत बनाया जाए। अब हम पूरा फ्लाईओवर क्रॉस कर चुके हैं और सामने ही हमें नया नाज़माबाद का मेन गेट नज़र आ रहा है। एंट्रेंस पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छी है, इस वजह से ये एरिया काफ़ी सेफ़ और सिक्योर है। अंदर एंटर होते ही आपको नीट एंड क्लीन रोड्स नज़र आते हैं और माउंटेन पर बहुत ही खूबसूरत नया नाज़माबाद लिखा हुआ भी नज़र आता है। और ये लेफ़्ट पर एक ग्रीन बोर्ड शो कर रहा है कि सेल्स सेंटर इज़ ऑन योर लेफ़्ट। तो आइए पहले सेल्स सेंटर चलते हैं और वहाँ से कुछ मालूमात हासिल करते हैं। सेल्स सेंटर की बिल्डिंग भी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन की गई है। बिल्डिंग के साथ ही एक लश ग्रीन क्रिकेट ग्राउंड भी मौजूद है। यहाँ सेल्स एजेंट मुख्तलिफ क्लाइंट्स को डील करने में मसरूफ नजर आए। नया नाज़माबाद के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने हमें अपने तमाम ही प्रोजेक्ट्स के बारे में ब्रीफिंग दी। नया नाज़माबाद जावेदान कॉरपोरेशन का एक प्रोजेक्ट है जो मिडिल क्लास को जहन में रखते हुए डिजाइन किया गया है, और आरिफ हबीब ग्रुप इस प्रोजेक्ट के ओनर्स हैं। इस प्रोजेक्ट में बनाए गए बैंगलोर और अपार्टमेंट्स लग्जूरियस होने के साथ साथ अफोर्डेबल भी हैं, और फिर गेटेड बाउंड्री होने की वजह से काफ़ी सेफ भी हैं। अभी मैं आपको इनकी ऑन साइट लोकेशन पर विजिट भी करवाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ आप इनका यह मॉडल देखकर भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत प्रोजेक्ट है। सेल्स सेंटर से बाहर आते ही आपके लेफ्ट पर बहुत ही खूबसूरत जिम खाना मौजूद है। आइए अब इन ग्रीन बोर्ड्स पर जो ब्लॉक्स के नाम दर्ज हैं उनको फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हर जगह इतनी ग्रीनरी है जिसको देखकर बहुत ही दिल खुश होता है, और जगह जगह खूबसूरत दरख्त लगाए गए हैं। आगे बढ़ते हुए राइट पर आपको यहाँ की खूबसूरत जामा मस्जिद भी नजर आएगी। आइए अब आपको नया नाज़माबाद के खूबसूरत बैंगलोर्स दिखाते हैं। बैंगलोर्स के बारे में सेल्स मैनेजर ने हमें बताया कि उनके तकरीबन 90% बैंगलोर्स सेल हो चुके हैं, और वहाँ लोग रिहाइश भी इख्तियार कर चुके हैं। बैंगलोर्स तो वाकई बहुत खूबसूरत हैं, और ये अपने कवर्ड एरिया के हिसाब से तकरीबन 2 से लेकर 3 करोड़ की प्राइस रेंज में अवेलेबल हैं। बैंगलोर्स के फ्रंट पर ग्रीन बेल्ट मौजूद है और वहाँ पाम ट्रीज लगाए गए हैं। एरिया की खूबसूरती को एनहेंस करने के लिए जगह जगह माउंटेंस को प्रिजर्व किया गया है, जिसकी वजह से ये एरिया और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। कुछ हाउसेस थोड़ा टॉप पर यानी हिली एरिया पर बनाए गए हैं, और यहाँ पर एक कम्युनिटी सिस्टम की तरह डेवलपमेंट की गई है, यानी बाउंड्री वॉल और ग्रिल के साथ डबल सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। जामिया मस्जिद का खूबसूरत व्यू देखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ बोर्ड पर एरो शो कर रहा है कि आगे एक मिनी मार्ट भी है। इस सुपरमार्केट पर घरेलू इस्तेमाल की तमाम अशिया अवेलेबल हैं। खूबसूरत बैंगलोर के साथ
हर ब्लॉक में छोटे छोटे पार्क्स भी मौजूद हैं, जहां आप सुबह या शाम के औकात में चहलकदमी भी कर सकते हैं। अपार्टमेंट्स भी यहां पर तेज़ी से तकमील के मराहिल में हैं, और जिस तरह हमें यहां के स्टाफ ने बताया कि कुछ अपार्टमेंट्स का कब्ज़ा एक साल के अंदर दे दिया जाएगा, जबकि कुछ अपार्टमेंट्स की तामीर में थोड़ा टाइम लगेगा और तकरीबन 2 साल के अरसे में उनका पोजीशन भी दे दिया जाएगा। नया नाजमाबाद के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की बुकिंग भी जारी है, जो कि मुख्तलिफ प्राइस रेंज में अवेलेबल हैं। 2 और 3 बेडरूम्स पर मुश्तमिल 30 के नाम से अपार्टमेंट भी अभी ज़ेरे तामीर हैं। इसके अलावा राहत रेजिडेंसी और ग्लोब रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी खूबसूरत प्रोजेक्ट्स हैं। स्कूल, हॉस्पिटल और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की साइट्स पर काम भी जारी है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का भी यहाँ पर काफ़ी ख्याल रखा गया है। क्रिकेट के अलावा यहाँ पर एक फुटबॉल ग्राउंड भी मौजूद है, और इसके साथ ही हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। बच्चों की फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पर कराटे क्लासेस भी अरेंज की जाती हैं। बच्चों की बाइसिकल राइड के लिए भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेस मौजूद है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की ग्रोथ एक ऐसे इलाके में हो जहाँ उनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ का भी पूरा मौका हासिल हो, तो आपके लिए नया नाजमाबाद इज़ द बेस्ट चॉइस। और आपकी सेहत के लिए भी वॉक करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छी स्पेस मौजूद है। तमाम ही बेंगलोर के बाहर प्रॉपर गार्बेज कैंस लगाए गए हैं, और हर घर से यहाँ पर गार्बेज कलेक्शन का काफ़ी अच्छा सिस्टम मौजूद है। नया नाजमाबाद के नुमाइंदे ने हमें बताया कि यहाँ पर तमाम ही एमिनिटीज़ यानी बिजली, पानी और गैस की सहूलियात भी मौजूद हैं। व्यूअर्स, कराची के बहुत से लोग जो कंजेस्टेड इलाकों में रहते हैं, वो अपने घर बेचकर अब नया नाजमाबाद में शिफ्ट हो रहे हैं, और जो लोग मिडिल ईस्ट या सऊदी अरेबिया से वापस आ रहे हैं, वो भी इसको प्रेफर कर रहे हैं। तो आप भी अपने फ्यूचर की प्लानिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। एक अच्छा लाइफस्टाइल और एक क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट में रहना आपका भी हक बनता है। नया नाजमाबाद में विज़िट कीजिए, और रेहान गौरी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।